हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के चलते हुए पहाड़ गिरने से अब तक बता दें कि साथियों 19 लोगों की अभी अभी मौत हो गई है, 34 लोग घायल हो गए हैं। जी हां दोस्तों, लगातार आई बड़ी अपडेट का निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आप सभी को बता दें कि वीकेंड पर हिमाचल के पहाड़ों पर घूमने की योजना बना रहे पर्यटकों और प्रदेशवासियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। प्रदेश में 1 से 3 जुलाई के बीच मानसून कमजोर पड़ेगा, इससे पर्यटक अपने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश की पर्यटन सैरगाहों पर आ सकेंगे। बीते सप्ताह बड़ी संख्या में पर्यटकों पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद अपनी ऑनलाइन बुकिंग को कैंसिल करवा दिया था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि आजकल भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, मगर शनिवार को सोमवार को ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहेगा। मंगलवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फिर एक्टिव होगा और दोबारा भारी बारिश का अनुमान है। अब तक से प्रदेश में खूब तबाही हुई है। वहीं पर साथियों बता दें कि पहाड़ गिरने से मानसून के सीजन के दौरान विभिन्न कारणों से 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग पता है 34 लोग घायल हुए हैं, 9 सड़कें टूट चुकी हैं, 5 नदी में डूबने से 3 डाक छत और ऊंचे स्थानों के गिरने से लैंडस्लाइड के कारण मौत हुई है। जी हां दोस्तों, बेहद बुरी खबर, शेयर लाइक कर दें।